सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर योगी सरकार ने शिकंजा कस लिया है। हाजी इकबाल के नौकर नजीम के नाम पर दर्ज 21 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों को डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया। रेवेन्यू की जांच में ये प्रॉपर्टी हाजी इकबाल की निकली, जिसे उसने अपने नौकर नसीम के नाम पर दर्ज करा रखा था। जब्ती की यह कार्रवाई योगी सरकार में अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है। नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार, जो इकबाल बाला गैंग का सक्रिय सदस्य था, इसने अपराध करके अवैध रूप से लगभग 300 बीघे संपत्ति अर्जित की हुई थी थाना मिर्जापुर क्षेत्र में। आज दिनांक 1 मई को इसी संपत्ति की विधिक रूप से जब्ती करने की कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजवादी व्यवहार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये है और आज विभिन्न जो ये ग्राम है जिनके अंतर्गत ये संपत्ति है, इसकी जब्ती करने की कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये अवैध खनन, लकड़ी चोरी और भूमाफिया जैसे अवैध अपराध कार्य करते थे और इस अपराध से ये संपत्ति इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।